हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज की एसक्यूएल के ट्यूटोरियल में हम लोग नेक्स्ट ज्वाइन देखेंगे। नेक्स्ट ज्वाइन है आपका एसक्यूएल फुल ज्वाइन, या हम इसको बोल सकते हैं फुल आउटर ज्वाइन। सो फुल आउटर ज्वाइन का मीनिंग, दोनों टेबल में जो मैचिंग है वो तो मिलेगा मिलेगा, उसके अलावा जो फर्स्ट टेबल में होगा आपका वो भी एक्सेस होगा, सेकंड टेबल में होगा वो भी एक्सेस होगा। जो मैच नहीं कर रहा होगा फर्स्ट एंड सेकंड टेबल में, उसकी जगह पे आपकी नल वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करेगा। तो एसक्यूएल फुल ज्वाइन इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लेफ्ट एंड राइट आउटर ज्वाइन। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो इससे पहले हमने लेफ्ट ज्वाइन पढ़ा था और राइट ज्वाइन पढ़ा था, उन दोनों को कंबाइन करके आपका एक ज्वाइन बनाया है जिसको बोलते हैं फुल ज्वाइन। ज्वाइन एंड द ज्वाइन टेबल हैव ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल, दोनों टेबल से आपके सारे रिकॉर्ड ये एक्सेस करेगा। इट पुट्स द नल ऑन द प्लेस ऑफ मैचिंग नॉट फाउंड, जो मैच आपका नहीं करेगा उसकी जगह पे नल रिटर्न करेगा आपका। एसक्यूएल फुल आउटर ज्वाइन एंड एसक्यूएल ज्वाइन आर सेम। एसक्यूएल ज्वाइन बहु या एसक्यूएल फुल आउटर ज्वाइन हम लोग कहते हैं, जनरली नोन एज एसक्यूएल फुल ज्वाइन। इसको डायरेक्टली आप एसक्यूएल फुल ज्वाइन भी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दो टेबल है, टेबल वन है टेबल टू है, ये जो इनमें इनकी दोनों के बीच में जो कॉमन है वो तो मिल ही रहा है, उसके अलावा पूरी टेबल भी आपकी एक्सेस हो रही है, तो इसमें जो रिजल्ट हमारा जनरेट होगा उसमें दोनों टेबल का होल डेटा रिटर्न होगा। जो मैच नहीं करेगा उसकी जगह पे आपकी नल वैल्यू रिटर्न करेगा। अब सिंटेक्स की बात करते हैं, तो सिंटेक्स सेम वही है आपका, केवल आपको यहाँ पर फुल ज्वाइन लिखना है। तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया टेबल वन डॉट कॉलम वन, टू टेबल वन डॉट कॉलम टू, टेबल टू डॉट कॉलम वन, टेबल टू डॉट कॉलम टू, मल्टीपल कॉलम आपको लिखने हैं। फ्रॉम टेबल वन फुल ज्वाइन किसके साथ करना है, इसको टेबल टू के साथ कंबाइन करना है। ऑन टेबल वन डॉट मैचिंग कॉलम, पहली टेबल से जो मैच होगा वो इक्वल टू टेबल टू डॉट मैचिंग कॉलम, जो दूसरी टेबल से आपका मैच होगा वो एलिमेंट आप मैच कराएंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर एक स्टूडेंट टेबल है जिसके अंदर ये सारी डिटेल है आपकी, ये स्टूडेंट के रोल नंबर है, नेम है, ये एड्रेस। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ देखें तो स्टूडेंट कोर्स की बात करते हैं। देखिए दूसरी टेबल है आपके कोर्स, जिसमें आपने कोर्स आईडी लिया है, रोल नंबर लिया हुआ है। कोर्स आईडी में आपका 12231 है एंड रोल नंबर आपका 12359 है। अब देखिए यहाँ पर क्वेरी आपने एग्जीक्यूट की, क्वेरी में क्या लिखा है हमने, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट कोर्स, कोर्स आईडी से आपने लिया है, कोर्स आईडी ली है कोर्स से। फ्रॉम स्टूडेंट फुल ज्वाइन, स्टूडेंट कोर्स, ऑन स्टूडेंट कोर्स डॉट रोल नंबर इक्वल टू स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, रोल नंबर आपका मैचिंग फील्ड है तो हमने रोल नंबर लिखा। अब देखिए इसमें जो डिटेल आपने फाइंड आउट किया वो केवल नेम और आईडी ली है, नेम और आईडी आएंगी सारी वैल्यू। देखिए नेम में आपके जो जो नेम थे, अगर आप टेबल की बात करते हो टेबल में नेम कौन कौन से, कमल है, कैलाश, कमल, करण, अमन, अंकित, ये सारी वैल्यू आपकी आ जाएगी। ऐसी आपकी देखिए अमन का जो, अगर रोल नंबर की बात करते हैं हम, सॉरी अंकित की रोल नंबर की बात करते हैं, तो अंकित का कोई रोल नंबर यहाँ पर क्या है, 5 है, वो तो मैच कर रहा है आपका। अंकित का रोल नंबर 5 है। एंड अगर आप अमन की बात करते हैं तो अमन का रोल नंबर 4 है। यहाँ देखेंगे आप रोल नंबर 4 की कोई डिटेल नहीं है, नहीं है तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। इसी वे में आप अगर यहाँ वैल्यू देख रहे हैं रोल नंबर 9, 9 रोल नंबर आपका इस टेबल में प्रेजेंट नहीं है। अगर आप यहाँ की टेबल में बात करते हैं तो 9 आपका प्रेजेंट नहीं है, तो 9 की जगह पे जो वैल्यू आपकी नेम आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, आपका नल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी नल रिटर्न करेगा। तो मतलब ये सारी डिटेल आपको देगा, जो वैल्यू नहीं मैच करेगी वो आपका यहाँ पर नल जो है वो रिटर्न कर देगा आउटपुट में। तो ये होता है आपका फुल आउटर ज्वाइन बोल सकते हैं, या हम इसे बोल सकते हैं फुल ज्वाइन। अगर आप एक प्रॉपर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर कोई दूसरी क्वेरी लिख रहे हैं, आपको सारे कॉलम के सारे रो, सारे कॉलम, सारी कॉलम आपको एक्सेस करने हैं, तो आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल वन, पहली टेबल है आपकी स्टूडेंट फुल ज्वाइन, दूसरी है आपकी टेबल है स्टूडेंट कोर्स, कोर्स ऑन पहली टेबल स्टूडेंट कोर्स डॉट रोल नंबर, जो मैचिंग फील्ड है आपके रोल नंबर इक्वल टू स्टूडेंट डॉट रोल नंबर तो आपने मैच किया, तो आउटपुट क्या रिटर्न होगा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप रोल नंबर लिख देंगे, दूसरी फील्ड आपकी नेम भी आएगी क्योंकि आपने एस्ट्रिक लिखा है, एड्रेस भी आ जाएगा इसमें, एज भी आ जाएगा आपका, इसके अलावा कोर्स आईडी भी आपकी यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। कोर्स आईडी देखिए रोल नंबर आपके जो जो है वो सारे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ एक रोल नंबर एक्स्ट्रा है आपका 9, ये भी आ जाएगा। नेम की बात करते हैं तो नेम इसमें है कैलाश, कमल, करण, अमन, अंकित। अब बट यहां पर 9 पे कोई रोल नंबर नहीं है तो ये वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी नल हो जाएगी। सेम एड्रेस भी नहीं होगा, ये भी नल हो जाएगा आपका।
एज भी नहीं होगा, वो भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर नल हो जाएगा और वैल्यू आपकी रहेंगी। यहाँ पर एड्रेस रहेगा देहरादून, ये दिल्ली है आपका, ये ऋषिकेश है, ये हरिद्वार है, ये रामनगर है, ये 30 है, ये 25 है, ये 18 है आपका, ये 19 है और ये 20 है। अब आईडी की बात करते हैं, तो आईडी पे देखिएगा आप, 9 9 के लिए आईडी तो 1 है, 1 की आईडी 1, रोल नंबर 1 के लिए आईडी आपकी 1 है, रोल नंबर 2 के लिए आईडी आपकी 2 है, रोल नंबर 3 के लिए आपकी आईडी 2 है, रोल नंबर 4 के लिए आईडी नहीं है। तो यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी वो नल आ जाएगी आपकी। एंड यहां पर आपकी जो आईडी है वो क्या है आपकी, यहाँ पर कोर्स आईडी, ये भी क्या है आपकी, 5 पे आपकी कोर्स आईडी 3 है। तो ये आपका आउटपुट रिटर्न हो जाएगा अगर आप एस्ट्रिक के थ्रू इसको डिनोट कर दे, तो एस्ट्रिक में आपकी सारे कॉलम एंड सारे जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगी, जो वैल्यू मैच नहीं करेगा वो आपका यहाँ पर नल हो जाएगा। तो ये होता है आपका फुल जॉइन। थैंक यू स्टूडेंट।